हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं सीक्यूपी लाइव में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि चकरदरपुर का जो ग्रिड है, जैसे आप लोग जमशेदपुर जाते हुए हैं तो रास्ते में जो ग्रिड दिखता है, उसके बगल में रेलवे द्वारा एक नया पार्क बनाया गया है जो काफी बड़ा है। तो हम लोगों ने सोचा आज लाइव जाकर के उस पार्क को आपको दिखाया जाए। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड है, महात्मा गांधी उद्यान, आप बोर्ड देख रहे हैं, यही नया पार्क है। यहाँ पे 1 तारीख को ओपनिंग हुआ है, जो हमारे नए डीआरएम सर है उनके जन्मदिन के दिन। और सामने भी आप देखेंगे कि बोर्ड वोर्ड बनाया जा रहा है, ये रोड तैयार किया जा रहा है। तो अभी चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि ये पार्क जो है बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये रिव्यू देना है। और साथ में अभी पार्क जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, ओपनिंग तो कर दिया गया है लेकिन पूरी तरह से तैयार हुई नहीं है ये एक्चुअल में। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये पार्क का गेट है, मेन गेट है, और तो यहाँ से इसका एंट्रांस है। और एंट्रांस के बाद हम जैसे आगे आते हैं तो यहाँ से आपको शायद लगेगा कि ये थोड़ा छोटा सा पार्क है, बट इधर से जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद जैसे लोग अभी भी आ रहे हैं और आने के बाद मतलब फैमिली के साथ आ रहे हैं और सब लोग आ करके वॉक एंड ऑल कर रहे हैं। तो चलिए एक बार पार्क को अच्छे से आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं। कैमरा मैं ले लेता हूँ हाथ में और आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि ये जो पार्क है जिसका नाम है महात्मा गांधी उद्यान, और सामने एक स्टेज है बड़ा सा प्रोग्राम के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि काफी अच्छा से इसको मेंटेन किया गया है और बहुत लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये बनकर पूरा तैयार हो गया है, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे लगा कि अब तक कुछ बच्चों का झूला एंड झूला जैसे बोल सकते हैं तो वो दो ही है यहाँ पे। और इधर बहुत अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे टॉयलेट्स जो है वो बन के तैयार हो गया है, और आप देखेंगे कि लेडीज एंड जेंट्स दोनों टॉयलेट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें, जैसे कि ऑलरेडी बच्चे आ गए हैं और झूलना भी शुरू हो गया है, और जितने भी आसपास के लोग हैं या रेलवे क्षेत्र के लोग हैं वो भी इस पार्क में आ रहे हैं और शाम के टाइम में वॉक के लिए आ रहे हैं, मॉर्निंग में आ रहे हैं। बस एक चीज की कमी देखने को जो मिल रही है इसमें, एसेट्स और जो झूला बोलते हैं ना वो बहुत कम है, सिर्फ दो ही देखने को मिला गया है। तो मैं यहाँ पे शायद जो मैनेजमेंट है उन लोगों से मैं बात किया करने के बाद मुझे यही पता चला है कि अभी ये धीरे धीरे यहाँ पे लग रहा है, तो सब कुछ हुआ नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं अभी चलता हूँ उन लोग से भी बात करता हूँ। और ये लोग जो है रोज आते हैं या क्या है यहाँ पे, एक बार इन लोगों से बात करता हूँ। आप लोग रोज आते हो यहाँ पे? हाँ, अच्छा ये करे ना मास्क। आप लोग रोज आते हो क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है, ये 1 को ओपनिंग हुआ है ना। अच्छा तो ये मैं बोल रहा था कि आप लोग जो आ रहे हो झूला वूला और लगने का है या कुछ पता है आप लोग को और लगेगा ऐसे करके? कसरत करने का, बार उर लटकने का। आप लोगों को क्या लगता है, जिम विम का भी कुछ आइटम होना चाहिए पार्क में ना? फ्री हैंड का होना चाहिए, फ्री हैंड बार वगैरह ये सब होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब शहर में नया चीज होगा तो, है ना? बस थोड़ा ओपन जिम जिसको बोलते हैं। ओपन जिम, हाँ, थोड़ा मास्क पहनो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो आप लोग। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं और ट्यूशन के भी स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ पे और शाम के टाइम में वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मतलब अच्छा है, शहर में ये सब चीज था नहीं, एक जो पार्क था वो बहुत छोटा सा था, तो ये बहुत जरूरी चीज था। अब मैटर ये करता है कि रेलवे इसको कितना मेंटेन करती है, और आगे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये काफी अच्छा, मतलब बैठने का और टहलने का ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें जैसा लगता है कि धीरे धीरे रेलवे इसको तैयार करेगी और करने के बाद ये अच्छा, बहुत अच्छा पार्क हो सकता है। मतलब जो एरिया है इसका काफी बड़ा है, जहां तक आपको नजर जा रहा है
वो पूरा इस पार्क का ही एरिया है। तो हम पहले भी इसकी जब मतलब तैयारी हो रही थी तो एक वीडियो हमने डाला था कि हाँ एक पार्क अच्छा सा कुछ बन रहा है जगदलपुर में। तो ये जो है आप देखिए कि बनकर तैयार हो गया है, इसकी ओपनिंग भी हो गई है, बट अभी सारा कुछ नहीं हुआ है। वो आप भी देख करके आपको भी ऐसा लगता होगा। और जो यहाँ पे पेड़ पौधे वो काफी छोटे हैं, जहां से मैं दिखा रहा हूँ वो जो सामने आपको दिख रहा है वो एंट्रांस है। और एक बार मैं पूरा 360 में आपको दिखाता हूँ, ये मतलब हाँ लोग आ रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सही है, इतना होना चाहिए शहर में। और जैसा जैसे आगे होता है यहाँ पे जो भी इसमें जो कुछ भी नए अगर झूले कुछ आते हैं या फिर कुछ भी इसमें अपडेशन होता है तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। पल पल की न्यूज जगदलपुर की आप तक पहुंचते रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप इस पार्क को देख लिए हैं। तो अब हमारा वक्त है इस लाइव को क्लोज करने का यहाँ पे। इसके बाद अगर इस पार्क से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम आपको दिखाएंगे, या शहर में कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। और भी कुछ ऐसा होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बट और भी दो चीज मतलब दो चार चीज ऐसा देखने को मिल रहा है, जो अभी शायद बारिश हुई है रेगुलर, तो आप जैसे देखेंगे कि इधर पानी वानी भी बहुत भर गया है। अब पानी जमने के पीछे क्या रीजन है, शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या फिर क्या है, एंट्रांस नहीं है पानी का, निकलने का कुछ रास्ता नहीं है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, क्या है वो तो नहीं पता है। बट ये जैसा आप देख रहे हैं कि पानी भी जम रहा है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़े रहने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और भी कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।